सो हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आई एस ओफ़ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम इससे पहले हमने बाकी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन देखे हैं तो लेट्स कैसे क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक है हमें देखना चाहिए ऑलवेज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि लास्ट टाइम अगर हम देखें कि इस टाइप के क्वेश्चन आए यानी दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अस ओके

शेल दी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है एल की वैल्यू दी है सारी दी है चेक करते हैं हमें एक चीज पता है सर एन की वैल्यू की बात करते हैं हम ठीक है वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ एन तो जब हम एन की वैल्यू की बात करते हैं तो क्या होती है फर्स्ट शेल सेकेंड शेल थर्ड शेल और फोर्थ शेल ऐसे ही हम सो so ऑन ठीक है बट वेन वी टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ एन तो एल की वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए कितनी जीरो देन वन टू एंड थ्री ठीक है फ्रॉम हे वी कैन सी वन थिंग ओके क्या देख सकते हैं कि सर हम यहाँ पे कैसे पहचाने कि एल की वैल्यू कितनी आएगी ठीक है कि सर अगर ऐसे देखें तो फोर इज टू थ्री आएगी बट बात करते हैं हम किस शेल के अंदर है कि यहां पे अगर एन की वैल्यू हमसे पूछी जाए किसकी वैल्यू पूछी जाए एन की वैल्यू हमसे पूछी जाए तो एन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है फोर यानी हमारे दो ऑप्शन करेक्ट ठीक है कि दो ऑप्शन तो बचा एंड ठीक है? Magnetic quantum numbers. तो इन्हें हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करना दे कैन बी प्लस वन माइनस ऑफ यू कैन से माइनस वन माइन प्लस वन और माइनस हाफ प्लस ऑफ ठीक है दीज आर जस्ट दे हैव ड्रॉन

वन हो गई तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए अगर हम यहां पे देखें तो ये हमारा एल हो गया पी और बाइटल से ठीक है तो यहां पे फोर कॉमा वन तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन ऑल दीज ऑल ऑफ दीज स्पीशीज यानी सबके पीछे सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज नाइट्रेट आयन एज नाइट्रेट आयन एक्सेप्ट किसके नहीं होंगे तो लेट्स टॉक अबाउट ठीक है हमें कार्बोनेट आयन दिया है बाइकार्बोनेट दिया है नाइट्रोजन फ्लोराइड एंड सल्फर ड्राई ठीक है तो अगर हम एनओ थ्री की बात करें तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एनओ थ्री के पास कि सर अगर देखो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फाइव ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास होते हैं सिक्स ठीक है अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है अब एक चीज देखना यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने ऑक्सीजन है थ्री ऑक्सीजन है थ्री ऑक्सीजन यानी सिक्स थ्री 18 ठीक है कि सर 18 प्लस इसके फाइव अब यहाँ पे देखो माइनस चार्ज लगा यानी एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड गेन हुआ है ठीक है तो प्लस वन यानी कितना हो गया हमारे लिए ये ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन्स ये हमें देखते हैं जब हम कार्बोनेट के आयन की बात करते हैं तो कार्बन की लास्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन ठीक है ऑक्सीजन का हमें पता है और माइनस टू इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने हैं तो टोटल कार्बोनेट आयन में भी ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन वी आर टॉकिंग अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की लास्ट शेल में किस किसके कितने कितने इलेक्ट्रॉन है वेन वी टॉक अबाउट बाईकार्बोनेट आयन इसमें भी हमें कितने मिल रहे हैं 24 कि सर nf3 का बता दीजिए एक बार तो जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं नाइट्रोजन में फिर से 5 फ्लोरीन में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 3 वी कैन काउंट 5 plus 21 यानी हमारे हो गए 26 इलेक्ट्रॉन यानी nf हमारा फेल हो गया है so3 फेल हो गया है सॉरी गिव मी अ सेकंड so3 के हमने काउंट नहीं किए हैं ठीक है तो यानी कार्बोनेट आयन के अंदर हमें मिल रहा है तो इसने यह पूछा है कि, कि एक्सेप्ट छोड़ तो किसको छोड़ा हमने एन एस थ्री को एसो थ्री के अंदर देखो एसओ थ्री के अंदर देखो कितने मिल रहे हैं हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे कितने मिल रहे हैं ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन सल्फर की शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन की शेल में सिक्स सिक्स थ्री या एटीन टोटल ट्वेंटी फोर कि सर यस एसओ थ्री भी करेक्ट है बाई कार्बोनेट भी सही है कार्बोनेट आयन भी सही है सिर्फ कौन नहीं है एसओ थ्री यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सर एसओ थ्री विल बी आर सॉरी सेकंड बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि सर एन एफ थ्री विल बी आर आंसर कि नाइट्रोजन फ्लोराइड के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ट्वेंटी सिक्स है, 26 है. ओके, लेट्स मूव क्वेश्चन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कोई एलिमेंट है, है. तो है जैसे हम क्लोरीन की बात करते हैं वेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन तो क्लोरीन के भी दो आइसोटोप मिलते हैं जाता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव यू ओके तो सेम यहां पर इसने कहा कि है, ठीक है? द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स आइसोटोप्स की परसेंटेज बतानी है कि 79x35 एंड 35x82 इन द सैंपल इज कोई सैंपल दिया उसके अंदर आपको इनकी परसेंटेज बतानी है उनका एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया है ठीक है तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अगर एबेंडेंस में मिल रहा है तो हमने कहा कि पहले वाले को मान लिया हमने कि ये सबसे ज्यादा एबेंडेंस में मिल रहा है ठीक है तो इसको मैंने कितना मान लिया कि इसको मान लिया हमने x1 तो ऑटोमेटिकली कि अगर ये x है तो सामने वाला क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स अगर मैंने कहा ये 60 परसेंट मिलता है तो ऑटोमेटिकली 100 माइनस सिक्सटी यानी वो 40 परसेंट मिलेगा ठीक है तो इसको हमने क्या मान लिया दूसरे को 100 माइनस एक्स अब हमें एवरेज निकालना आता है सबको आता होगा बहुत ईजी है ठीक है एवरेज कितना दिया है इन्होंने एट्टी ओके फर्स्ट वन इज 79 नाइन प्लस सेकेंड वन क्या है हमारे पास कि सर सेकेंड वन इज 82 टू इक्वल टू हंड्रेड माइनस एक्स वन ठीक है डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि सर 8000 थाउजेंड इक्वल्स टू सेवेंटी नाइन एक्स प्लस एट टू डबल जीरो एंड second इज minus एटी तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि 3x एक्स इक्वल्स टू टू हंड्रेड इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू टू हंड्रेड बाय थ्री यहां से डिवाइड करेंगे तो सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट आएगी यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट यानी अबेंडेंस में कौन है पहला वाला आइसोटोप इसका तो सेकंड वाले का कितना परसेंटेज होगा कि सर 100 माइनस -66 66.66 तो कितना बचेगा 33.34 अंडरस्टूड सबको आ गया होगा समझ में ठीक है तो दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ड्रॉप कि हाँ भाई कोई दो आइसोटोप्स हैं ठीक है किसी सैंपल में उनका परसेंटेज कितना होगा अगर हमें उनका एवरेज एटॉमिक मास गिवन है ओके

द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कि कोई किसी से कंबाइन होने पे कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है गेन कर रहा है या लूज कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए बट दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी बॉन्ड तो यहां पे अगर हम वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा जीरो अंडरस्टूड लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम टंगस्टेट है लीड फॉस्फेट पीबी थ्री पीओ फोर होल ट्वाइस फॉर्मूला फॉर लेड टंगस्टेट अब इन्होंने क्या पूछा कि हमें ये दे दिया तो ये पूछा है कि लेड टंगस्टेट बोल दो अगर ये मांग लेता सोडियम फॉस्फेट तो भी हम निकाल सकते तो हमें क्या पता है किसने दो फॉर्मुले हमें दिए हैं न्यू फॉर्मूला हमसे मांगा है हमें पता है कि सर वैलेंसीज हम काउंट कर सकते हैं ठीक है कैसे करेंगे देखो अगर मैं कहूं इसने बोला एन ए एन ए टू डब्ल्यू ओ फोर की बात कर रहे हैं हम ठीक है क्या इसके आगे कुछ भी है नहीं है वन मानेंगे तो यहाँ इसके आगे कितना है टू इसके आगे कितना है वन वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई अदर ठीक है यानी एन ए क्या है प्लस वन अंडरस्टूड एन डब्लू ओ फोर की अगर हम बात भी कर ले तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए माइनस टू ठीक है वहीं पी बी की बात करें तो इन्होंने क्या कहा पीबी थ्री पीओ फोर होल्ड ट्वाइस यानी इसके आगे टू इसके आगे कितना है थ्री है ठीक है वाइल क्रॉस मल्टीप्लाइंग गेट बैलेंसिस Pb की कितनी हो जाएगी प्लस टू एंड पीओ फोर की कितनी हो जाएगी माइनस थ्री ठीक है अब हमसे किसका पूछा इन्होंने फॉर्मूला कि सर हमें बताना है लेड टंग स्टेट किसका बताना है हमें ट का बताना है ठीक है कि सर ये लीजिए ये हो गया मेरा लेड मैं टंगेट का, का बताओ कि सर डब्ल्यू ओ ठीक है कि सर इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे आगे पीछे कुछ आएगा नहीं देखो लेड का कितना है हमें पता है प्लस टू डब्ल्यू ओ फो का माइनस टू यानी फॉर्मूला क्या हो गया हमारे लिए PbWO4 डब्ल्यू ओ लेड टंग स्टेट कैन यू सी ओके अंडरस्टूड बहुत ईजी क्वेश्चन है ठीक है तो कई जगह बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगा के हम इजीली भी उसे सॉल्व कर सकते हैं इसलिए स्मार्टली हमें पेपर देना होता है जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करें स्मार्टली अटेम्प्ट करें ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन में घुस गए ज़्यादा ही वो बहुत इजी था और उसे हमने क्या बना दिया हार्ड बना दिया तो ऐसा नहीं करना बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्या पूछा है और क्या दिया है हमें तो हमेशा मैंने बताया जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें फर्स्ट सी कि क्या दिया है एंड देन सी कि क्या सॉल्व करना है

तो वेन वी टॉक अबाउट एन थ्री माइनस तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं मैग्नीशियम के पास यानी इसका मतलब उसने दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं यानी अभी ये क्या है कैटायन है हमारा तो यानी इसके पास भी अभी कितने इलेक्ट्रॉन है टेन इलेक्ट्रॉन व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेशियम के प्लस इलेक्ट्रॉन्स है? होते हैं एक दे दिया 18 इलेक्ट्रॉन है ये आईसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उट सी ए प्लस टू प्लस तो इसके अंदर भी कितने हैं इलेक्ट्रॉन दोस्त ने दे दिए हैं अगर हमसे पूछता कि इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है तो ये दोनों है और ये दोनों है बट नियॉन से पूछा है रेस्पेक्ट में कौन दिया है हमें कि विद रिस्पेक्ट टू नियॉन तो नियॉन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन आ गया नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम यानी फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन हमें सर्च करना है तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज सी ऑप्शन ओके So, hope you understand all these questions. Okay. So, bye for now. See you in the next class.